हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का पहली क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को आगे कैरी ऑन करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उस नॉलेज को परसेप्ट करने के लिए जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, मैं उस दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ जिसको हम मेडिकल दुनिया बोलते हैं। ठीक है ना? मेडिकल की दुनिया में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आज पहला चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहने वाली है। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लास का, दी लिविंग वर्ल्ड। ये जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें कंप्लीट बायोलॉजी आप आ जाती है। देखो, जैसे कि ये इस आदमी ने अपने हाथों में ये दुनिया वर्ल्ड का जो मैप है, मींस अर्थ को पकड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ये क्या शो करना चाहता है, ये क्या शो करना चाहता है। इट्स जस्ट नॉट ए चैप्टर ओनली, ये बायोलॉजी का कंप्लीट व्यू है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है ना? देखिए, मैं आपको और बाकी बातों में ना उलझा के हम डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने 10th क्लास तक बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया, ये आप जानते हैं। वहाँ पे ज़्यादा डीप पढ़ाया भी नहीं जाता, आपके सिलेबस में भी नहीं है। वहाँ पे बस ब्रीफ में आपको सारी बातें बताई जाती हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको बताया जाता है, बायोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमने मेडिकल डिसाइड किया, डॉक्टर बनने के लिए, एक रिसर्चर बनने के लिए, हैं? आप अलग अलग तरीके के रिसर्च कर सकें, जैसे कि आप अपनी खुद की बुक लिख सकें, एक ऐसा टॉपिक डिस्कवर कर सकें जो कि आज तक डिस्कवर नहीं हुआ हो, या फिर कुछ आप नया करना चाहते हो। देखो, ये श्योर सी बात है, इन्हीं में से आपका कुछ ना कुछ एम होगा, या तो डॉक्टर बनना है होगा, या फिर कोई साइंटिस्ट, या फिर रिसर्चर, जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलेटेड होगा। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगेन मैं आपको, आप लोगों का वेलकम करता हूँ कि जो बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेडिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसको आप परसेप्ट करना चाहते हो, ठीक है ना, और कर रहे हो। और मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। 0% तो होगा ही नहीं, 0 से अबव ही होगा कुछ ना कुछ परसेंट। तो देखो, हम एक एक टॉपिक को सीक्वेंशियली हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी, और बिल्कुल इजी वे में, इजी तरीके से जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिविंग वर्ल्ड एक्चुअल में है क्या। देखो, इस चैप्टर को बच्चे क्या है कि ज़्यादा बोरिंग तरीके से ले जाते हैं, या फिर उनके समझ में नहीं आता, या फिर उसको रटने लग जाते हैं, ऐसा ये चैप्टर है नहीं कुछ खास। हाँ, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी नॉलेज है जो आप अपने माइंड में पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लिविंग वर्ल्ड में, ये लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड में लिविंग का मतलब क्या होता है। देखो, लिविंग वर्ल्ड जो है उसमें हमें लाइफ से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है, हमें कि लाइफ क्या होती है उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, कि लिविंग होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है, कुछ रूल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दिया जाता है एक स्टैंडर्ड मैनर में, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे, एक एक पॉइंट से करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। देखो, सॉरी, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है, कैसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी शाखा है जो कि किसके बारे में स्टडी करती है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करती है और प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है।
ठीक है ना, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट हैं उन सभी की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाती है। देखो, बायोलॉजी में दो वर्ड से मिलकर के ये बनी है, पहला बायो, बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी का मतलब क्या होता है? लोगोस। इसका मतलब स्टडी ऑफ, ठीक है ना। मींस बायोलॉजी वह ब्रांच है साइंस की जो कि किसके बारे में स्टडी करती है? एनिमल्स की और प्लांट्स की, ठीक है ना, या फिर इस दुनिया में जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट इस दुनिया के अंदर, उन सभी की बायोलॉजी स्टडी करती है। बायोलॉजी को सबसे पहले एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और बायोलॉजी के अंदर जो कुछ ब्रांचेज हैं उसके बारे में भी एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। कुछ ब्रांच का, ऐसा नहीं कि मैं सारी ब्रांच जो अब एरिस्टोटल ने ही डिस्कवर किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको और एक साइंटिफिक तरीके से मैं बात करना चाहूँ इसमें, कि जो बॉटनी और जूलॉजी के बारे में जो स्टडी करती है उस फील्ड को हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने 9th 10th में अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो जीव विज्ञान के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जीव के अंदर क्या क्या चीज़ें हरकतें होती रहती हैं, वो क्या हरकतें करता रहता है, उसके शरीर में क्या क्या होता है, या फिर उस शरीर से वो क्या क्या करता है, तो वो सारी हरकतों के बारे में आपने थोड़ा सा तो ब्रीफ एटलीस्ट पढ़ लिया होगा अप टू 10th क्लास। अब आपको डीप में स्टडी करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर आपको रियल में वास्तव में एक अच्छा बेस्ट डॉक्टर या फिर अपने एम जो भी आपका टारगेट है उसमें बेस्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। देखो, अगर मैं टाइप्स की बात करूं या फिर ब्रांचेज की बात करूं बायोलॉजी की, ये मोर देन 50 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मोर देन 50% 50 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी यहाँ प्रेजेंट हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ दो के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सी? दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। अभी हमें सिर्फ इन दोनों पे ही ध्यान देना है, आगे चलते चलते हम इनके बारे में भी स्टडी करना सीख जाएंगे। ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है, एनाटॉमी हमारे सिलेबस में है ना, एंटोमोलॉजी हमारे सिलेबस में है, एनिमल किंगडम के अंदर इंसेक्ट्स की स्टडी जो होती है, पैथोलॉजी लैब्स के अंदर होती है जो कि वायरस बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन जो होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं लैब्स के अंदर होता है, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी करते हैं, ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी करते हैं, कैंसर हमारे सिलेबस में है ना 12th क्लास में। तो ये कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि मैंने मेंशन किए हुए हैं इधर, ये हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा व्यूज इनके बारे में लेते रहेंगे। और जूलॉजी बॉटनी तो है ही है, हम इनको तो ये जूलॉजी बॉटनी के अंदर ही आ जाते हैं एटलीस्ट। मतलब ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मोर देन 50 जो यहाँ टाइप्स दे रखे हैं, ये जूलॉजी और बॉटनी के ही पार्ट्स हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो इनको एक ब्रांच बना दिया है, एक नया टॉपिक बना दिया है, एक नया सब्जेक्ट बना दिया है, इनके अंदर अलग अलग स्टडीज होने लगी हैं, तो इस वजह से इनको अलग मेंशन कर दिया गया है जूलॉजी बॉटनी से अलग, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, जानना जरूरी है कि मोर देन 50 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी कैन यू डिफाइन, ठीक है ना, सम, ठीक है ना। मोर देन मतलब 50 में से आप कुछ को तो डिफाइन कर ही सकते हैं, ठीक है ना। एनाटॉमी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी की एनाटॉमी हम करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमी करते हैं, ऑर्गन्स की एनाटॉमी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, लाइकन्स, फंजाई है ना, एल्गी, इन सब के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। इकोलॉजी में हम एनवायरमेंटल से रिलेटेड हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स के से रिलेटेड जो है उनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। पैथोलॉजी वही है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो देखो, ये एक छोटा सा डेफिनेशन जो बायोलॉजी का आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मैं जीरो से ही लेके चल रहा हूँ, जीरो से ही लेके चलूंगा। ऐसा एक भी पॉइंट, ऐसा एक भी वर्ड आपके लिए नहीं होगा जो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो जो आपके सिलेबस में है। और प्लस में क्या है, उनसे रिलेटेड जो भी एक्चुअल नॉलेज होती है, एक्चुअल नॉलेज, देखो एक्चुअल नॉलेज कोई भी नहीं देना चाहता, या फिर हो सकता है किसी को ज्यादा पता भी ना हो, ठीक है ना, कि एक्चुअल नॉलेज जो होती है वो आपको मिलेगी प्लस में। ये आपके लिए बोनस पॉइंट है, ठीक है ना।
सिलेबस तो हम कंप्लीट करेंगे करेंगे, लेकिन उसका जो निचोड़ होगा प्लस में उसको भी करेंगे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा बायोलॉजी पढ़ने के अंदर, पढ़ने के लिए, ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लिविंग एक्चुअल में होता क्या है। देखो, लिविंग से मतलब लाइफ, लाइफ लिविंग एक ही बात है, ठीक है ना? देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ है, लाइफ को कोई भी सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकता। लाइफ को कोई भी सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकता। लाइफ एक यूनिक वर्ड है। लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिस्ट्री, बायोकेमिकल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल्स, उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो एक लाइफ के अंदर है, एक लिविंग के अंदर है, तो इस वजह से उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, जो कि हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होते रहते हैं, ठीक है ना? लॉयन की बॉडी के अंदर, फिश की बॉडी के अंदर, पैरट की बॉडी के अंदर, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे क्रिएचर्स हैं नेचर के अंदर, जितने भी प्लांट्स हैं, या फिर कुछ भी आप लिविंग देख रहे हो, कोई भी, उसकी बॉडी को अगर हम एनालाइज करें तो वो इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर रही होगी, इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर रही होगी, ठीक है ना? जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाटर हो गया, है ना, और क्या, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, डीएनए आरएनए हो गया, सब जानते हैं इनके बारे में। कोई आप इनसे, ये नहीं है कि आप अवेयर नहीं हो, इनके बारे में नहीं जानते हो, सुना तो होगा ये एटलीस्ट, ठीक है ना? तो देखो, अलाइव रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एक ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं है कि एक छोटा बच्चा है, वो थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ गई है थोड़ी सी और बौना रह गया है और उसके आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो अलाइव नहीं रहेगा। अरे, उसके अंदर सेल डिवीजन तो हो रहा है ना, सेल तो डिवाइड कर रहे हैं, वो अंदर से तो ग्रोथ कर रहा है ना, वो रिप्रोड्यूस तो कर सकता है ना मैच्योर होने के बाद में, वो अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, अपने बच्चों के अंदर अपने गुणों को ट्रांसफर तो कर सकता है ना थ्रू डीएनए, है ना? होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब अपने बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है, या फिर जो आयनिक बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो केमिकल्स होते हैं उनको बैलेंस तो कर सकता है ना, केमिकल को, ठीक है ना? मेटाबॉलिज्म, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उनको मेंटेन तो कर सकता है ना वो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो कर सकता है ना वो। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना करे, एक सेल लेवल पे केमिकल रिएक्शन तो कर सकता है ना वो, और उन अपने एनवायरमेंट को रिस्पोंड तो कर सकता है ना वो, है कि नहीं? है कि नहीं? कर सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता? देखो, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये बातें जो इस सर्कल में दे रखी हैं, लिविंग होने के लिए, अलाइव होने के लिए इन थिंग्स का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? यही तो एक्सप्रेशन है बायोमोलिक्यूल्स का, यही तो एक्सप्रेशन है इन केमिकल्स का, है कि नहीं है? यही एक्सप्रेशन है जिंदा रहने के लिए, ठीक है? देखो, आपके सिलेबस में दे रखा है स्टार्टिंग में, द लिविंग वर्ल्ड के अंदर, कि लिविंग को हम लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर लिविंग है तो वो डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है उसका, हम सारी बातें पढ़ेंगे। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये मैंने बता दिया इधर से, ये और ये एक ही पॉइंट है, ये आपका लिविंग क्रिएचर्स है, ठीक है ना, नेचर के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हर चीजों को हम मेंशन करना भी नहीं चाहते और नहीं भी करते, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? तो उनको कैप्चर हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में हम जानना होगा कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, ठीक है ना? देखो, दो ही बातें हैं, दो ही बातें जो हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग में आपको क्या कर सकती है, डिफ्रेंशिएट कर सकती है, आप पहचान लोगे, आसानी से पहचान लोगे। एक, अगर कोई भी करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो लिविंग में प्रेजेंट है वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? वो सभी लिविंग के अंदर होना चाहिए, सभी लिविंग के अंदर होना चाहिए और नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना? वो
ऐसा करैक्टर सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और वो करैक्टर अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है ना। और अगर हमें डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर अगर हमें बताना है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, कौन सा है, तो इसको बताने के लिए कि पहली बात जो मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो करैक्टर अगर प्रेजेंट है, मान के चलो ग्रोथ, ग्रोथ अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर ये ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर है अगर सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। और अगर वो सभी ग्रोथ अगर सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और प्लस में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी वो ग्रोथ प्रेजेंट है, तो हम उसको डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानेंगे, याद रखना। अगर वो डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर है, कोई भी ग्रोथ हो, कोई भी चीज हो जो आपके सिलेबस में बताऊंगा आगे क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं है। ग्रोथ का एग्जांपल हमने लिया है कि ग्रोथ अगर सभी लिविंग, आपको पता है ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड करती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज और मास बढ़ता है, तो ये डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना। ये सही सत्य है, सच बात है। लेकिन लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे कंडीशन है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेन, लिविंग थिंग्स में नहीं होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ कि क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, मतलब कि होती है, या फिर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर वो ग्रोथ नहीं होती, तो बताइए आप। ये मैं आज शाम को 6 बजे जो डाउट क्लासेज होंगी उसमें मैं आपसे पूछूंगा और आपको मुझे बताना होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है, अभी मैंने सिर्फ बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई है, लिविंग की, लिविंग और लाइफ की डेफिनेशन बताई है, बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स बताए, कुछ ब्रांचेज बताई हैं, जूलॉजी जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। देखो बायोलॉजी वर्ड जो है, बायोलॉजी और जूलॉजी, इसको एरिस्टोटल ने ही डिस्कवर किया है, और जो बॉटनी है उसको थियोफ्रास्टस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने लाइफ के बारे में स्टडी किया है, लाइफ क्या होती है, ठीक है ना। और कुछ जो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये पूछा है कि एनसीईआरटी ने कि क्या ये डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं लाइफ के या फिर नहीं हो सकते। तो डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर होने के लिए दो चीजें आपको याद रखनी होंगी, एक तो वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एबसेंट नहीं होना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो करैक्टर एबसेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी भी, अगर वो डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर है तो लिविंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ग्रोथ मान के चलो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, अगर उसको डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर होना है तो, और अगर नहीं होना है तो उसको नॉन लिविंग, वो तो फिर लिविंग में भी होगी, नॉन लिविंग में भी होगी, ठीक है ना। तो ये दो स्टेटमेंट आप याद रखना है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि डेफिनेट करैक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है। ये अप्लाई करना ये वीडियो देखने के बाद में, हालांकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो और 15-20 मिनट्स की नेक्स्ट वीडियो और डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप जरूर देखना, ठीक है ना। ये इसी का है, ये कैरी ऑन है, पार्ट टू है, ठीक है ना। ये पार्ट वन है, वो पार्ट टू हो जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे अबाउट लिविंग वर्ल्ड और अबाउट ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।